पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ स्कोर था 75/9 और उसमें राशिद खान को एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने इस टीम को ऐसे बिल्ड किया है कि ये टीम सिर्फ और सिर्फ राशिद खान स्टार प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं और हर खिलाड़ी को अपना किरदार करना है। एक बात तुम्हें आपको बोलूं कि नो डाउट राशिद खान वो टीम का बैकबोन है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर उस दिन फर्स्ट गेम से अगेंस्ट श्रीलंका अगर आप देख ले, राशिद क्या बॉलिंग देख ले, उसने बहुत जबरदस्त बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। ये मैंने खेला है, जितना राशिद मेरे अंडर कैप्टनसी खेल चुका है, सारी सारी टीमों की एक ही प्लान होता है अगेंस्ट राशिद के खिलाफ कि वो उसको विकेट ना दे, उसकी चाहे और भी डाउट हो जाए। राशिद को एक ये मसला पड़ता है टीमों के खिलाफ कि उस पर कोई ट्राई नहीं करता है। एज अ फार्मर कैप्टन, एज अ क्रिकेटर, मेरा ये सजेस्ट होगा स्पेशली कैप्टन को कि राशिद को जितना भी थोड़ा लेट ले आएगा, जब उस पर कोई ट्राई करेगा तो टीम के ऊपर और भी प्रेशर बढ़ेगा, वो विकेट भी लेगा। तो ये है कि राशिद की बॉलिंग पार्टनरशिप की वजह से और बॉलर्स को विकेट मिलती है, क्योंकि राशिद टीम की अगेंस्ट जो टीम थी श्रीलंका के खिलाफ बहुत प्रेशर उसने डाला, उन लोगों का कोशिश ही था कि वो उसको डॉट करे, उसको विकेट ना दे, तो उसी वजह से उस पर थोड़ा ओवर भी जा रहे थे, उसी वजह वो और बॉलर पे ट्राई करे उसको विकेट मिल रही थी। तो मैं ये बोलूंगा कि ये विकेट भी राशिद की वजह से उसको मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर और भी बढ़ जाता है उसको रोक के, तो ऑटोमेटिकली और बॉलर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस पर लोग ट्राई करते हैं, उसको विकेट मिल जाती है।